हेलो दीदी भैया लोग, नमस्कार। मैं बलवंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों लेकर आया हूँ प्रतिशत से संबंधित जनसंख्या वाले प्रश्न को। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी तथा मशीन के मूल्य अवमूल्य 200 साल के बाद भाव, इस तरह के क्वेश्चन को मैं ले आया हूँ, जिसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ, बेसिक से बताया और एक शॉर्ट ट्रिक दिया है, जिससे एक ट्रिक से तीन तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज कुछ नया सीखते हैं। एक आदमी की आय 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि उसकी आय इस समय 620 रुपये हो तो आज से 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी। देखिए, तो ये हमारा सी वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये उस तरह का क्वेश्चन आ गया है। यानी कंपाउंड प्रतिवर्ष 5% बढ़ रहा है, यानी कि एक साल में 5% बढ़ा, और फिर जो दूसरा बार बढ़ेगा तो 620 का, तो उसका 5% बढ़ेगा ही, और 620 पर जो 5% मिलेगा फिर उस पर भी 5% मिलेगा, यानी कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन दिया है सीआई वाला हमारा। तो सीआई वाला हमारा फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, एक बार फॉर्मूला पर इसे सॉल्व करते हैं और एक बार ट्रिक से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला का सीखना जरूरी होता है, इसलिए एक बार फॉर्मूला सीख लेंगे, बाद में हम फिर ट्रिक से सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने का। देखिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, यानी पी इंटू आर प्लस 100 होता है, 100 इन पावर टी, ये होता है। तो पी का हमारा वैल्यू कितना दिया है 620, इसको कर देंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 5/100, क्योंकि एक आर का वैल्यू दिया है 5%, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 105 टी दिया है, 2 वर्ष समय दिया है, 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष लिख दिए। तो देखिए 620 लिख दिए, गुना कर देंगे इसको, 105 हो जाएगा ना, तो 105 हो जाएगा, तो 105 दो बार लिखेंगे, 105 दो बार लिखेंगे, 105/100 गुने 105/100, क्योंकि इसको दो बार लिखना है तो दो बार लिख दिए। अब देखिए इसको काटते हैं तो कितना हमारा मिलता है, 10 से 10 कट गया। अब देखिए 21 5 75 से 20 5 100, इसको कर दिए, ये हमारा बच गया। अब कितना 10 बच गया, तो 5 दुना 10, 5 दुना 10, 5 1 21 5 75 से कट गया। अब इसे काटेंगे 2 से 31 दुना 62, ठीक है। तो अब हमारा कुछ नहीं कटा, तो हमारा ऊपर कितना बच गया 31 गुने 21 में, और 21 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 441/20, ये हमारा हुआ। अब दिया है इतना बच गया उसके पास, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 एक में, और 3 से गुना कर देंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, 4 3 12 का 2 हासिल, 4 3 12 1 13 इतना हो जाएगा। गुना करने के बाद ऊपर वाले का 1 4 3 7, 4 2 6 13 का 13। अब इसे 20 से डिवाइड करना है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो इसे कितना मिलेगा हमारा, इसे देखते हैं 20 से डिवाइड कर, तो देखिए 13 है तो नहीं कटेगा तो 130 होगा, तो 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 20 6 20 से, यानी कि 6 होगा, 20 6 20 से, तो बचेगा हमारा कितना पास 16 बचेगा, तो कितना 167 हो जाएगा, तो 20 3 आई
16 बचेगा 20 से 8 है 60 से 160 हो जाएगा, तो फिर कितना बचेगा 7 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, तो फिर 20 60 करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 11 बच जाएगा, तो पॉइंट देंगे तो 11 को 110 हो जाएगा, तो फिर कितना करेंगे 20 5 100 फिर हमारे पास 10 बच जाएगा, तो फिर करेंगे 10 तो फिर 10 बैठाएंगे तो 20 5 100 यानी कि इतना हमारा आंसर मिला, यानी कि उसका इतना आय हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। ये हमारा जो फार्मूला है सी आई का अमाउंट वाला फार्मूला है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो संबंधित प्रश्न होता है उसे मिश्रधन निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये अमाउंट वाला ये सूत्र यानी कि मिश्रधन वाला। तो मिश्रधन कहने का मतलब ये होता है यानी कि आपका जो पहले वाला था वो अभी मिलेगा और जो ब्याज है वो भी मिलेगा, तो दोनों को मिला देते हैं तो उसे हम मिश्रण बोला जाए, दोनों को मिला के ना उसको मिलेगा 2 साल के बाद मिला है, उसका 620 रुपए इतना था, आप दोनों को मिलाकर मिल रहे हैं तो 683 हो गया, यानी कि ये हमारा अमाउंट उसे मिला है, ठीक लिए, इसलिए हम अमाउंट के फॉर्मूला पैसे रखते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है जो आपसे बोल रहे थे, तो देखिए वो हमारा ट्रिक है, कितना दिया है 5% दिया है, जितना परसेंट दिया रहेगा उसको हम पहले लिख देंगे, तो 5% दिया है तो परसेंट के बदले बाटा में 100 देते हैं, ठीक है, तो इसे काट देते हैं 20 25 100, तो कितना मिला 1/20 मिला हमारा, तो देखिए तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमारा 21 मिलेगा, 21/20 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा ये वाला हमारा, और जो नीचे वाला है ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला मूलधन हो जाएगा, और दोनों में अंतर कर देंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर कितना होता है ब्याज है, तो दोनों का जब अंतर कर देंगे तो हमारा कितना मिलेगा मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 21 में से 20 जाएगा 1 हमारा हो जाएगा ब्याज हमारा हो जाएगा, ठीक है, 1 हमारा ब्याज हो जाएगा, परंतु हमें निकालना किया है, अब देखिए तो जो तब ब्याज पर नहीं निकलेगा इससे होता है, परंतु अब देखिए 21 में कितना दिया है 2 बार, ये 2 बार दिया है तो 2 बार इसको हम लिख देंगे, ये हमारा 21 हो गया, 21 को 2 बार लिख दिए, 21 को ये हमारा क्या है मिश्रधन है, 20 को 2 बार लिख दिए ये हमारा मूलधन है, तो दोनों को गुना करते हैं कितना मिलता है 20 20 400 हो जाएगा, यहाँ पर 21 21 441 हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर अंतर नहीं करेंगे क्योंकि तभी हमारा सोल्व 2 साल का नहीं निकला है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसे घटा के यहाँ पर ब्याज नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 2 साल का हमारा नहीं था, 2 साल का हमारा ये ना हुआ, 21 पहले साल का होगा दूसरे साल का, तो 2 साल का ये हमारा, तो इसमें जब घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा, ठीक है, इसमें जब घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा, तो घटाते हैं तो हमारा ब्याज कितना मिलेगा, देखिए तब पहले इसको हम ऐसे करेंगे घटाएंगे नहीं, इसको हम पहले देखते हैं कि 441 जो है तो ये हमारा मूलधन दिया है 620 है, मूलधन दिया है 620, अब देखेंगे 400 का कितना गुना है, 400 का कितना गुना है तो ये जानने के लिए हम इसे 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इतना गुना हो जाएगा, 400 डिवाइड कर दिए तब 400 क्या निकलना है तो 1 बराबर हमारा 400 बराबर कितना दिया है 620 दिया है, तो 1 बराबर हमें कितना हो जाएगा 620/400, क्योंकि इसका मान हमारा क्वेश्चन में दिया है कि मूलधन कितना है भाई 620 रुपया है मूलधन, ठीक है, तो 400 बराबर लिख देंगे कैसे मूलधन हमारा ये ना है यहाँ से लिखे हैं तो ये मूलधन है ये मिश्रधन है, ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना होगा 400 हो गया, तो 400 कितने के बराबर है भाई 620 रुपये, क्योंकि 620 रुपये उसका मूलधन है ना, तो 1 के बराबर हो जाएगा 620/400, तो हमें निकालना कितना है 441 का निकालना है, ठीक है, 441 का निकलते इसमें हम 441 से गुना कर देंगे, कर दिए तो 10 से 10 कट गया, अब देखिए 20 × 40, अब इसको करेंगे 20 × 40 31 × 62 हो जाएगा, तो 31 × 441/20 देखिए वही चीज आ गया हमारा 31 × 441/20, अब इसे डिव कर देते हैं 441 एक बे में यानी गुना करें इसको, तो हमारा 4 3 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, 4 3 12 का 2
और 4×3 = 12 13 गुना करने के बाद हमारा कितना मिलेगा, 1 4 3 7 4 2 6 13 का, यानी गुना करने के बाद इतना हमारा मिला। अब इसे क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है, तो हम लिखते हैं इतना गुना करने के बाद मिला 136 71 गुना करने पर, ये 20 का 20 लिख दिए, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बार में जाएगा, 20 6 का 20 6 बार में जाएगा। उसी तरह इसको लिख देंगे 683.5 डिवाइड करेंगे उतना ही ना आएगा, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह है था हमारा ट्रिक के अनुसार आंसर आया, और हमारा था यानी सी आई के अनुसार। तब जैसा आपको मर्जी वैसा इच कीजिएगा, परंतु आगे क्वेश्चन को हम इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसी तरह ट्रिक से हल करेंगे। और देखिए अब यदि पूछ लेगा कि उसमें कितने दो साल में कितने बढ़े पूछ लेगा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, नहीं ब्याज के बराबर बढ़ेगा ना, तो इसमें हम अंतर कर देंगे, तो 441 में से 400 घटा देते 41 घट देंगे, यानी कि इसमें जो हम 441 से गुना किए हैं, यदि पूछे कितना बढ़ा है तो हम इसके अंतर से गुना करेंगे, 41 बढ़ेगा तो 41 से गुना करेंगे, तो हमारा तो ऐसा नहीं पूछा है कुल पूछा है, तो इसलिए हम कुल से गुना करेंगे दो साल के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे को। किसी नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरू की आबादी 8000 हो। तो देखिए इस तरह का जितना प्रश्न होता है जनसंख्या संबंधित, तो उसको हम सीआई पर ही निकालते हैं, क्योंकि सीआई पर ही निकालेंगे उसको, क्योंकि हर साल उतना बढ़ रहा है ना, 5% इतना बढ़ गया, फिर 5% उसका बढ़ गया, इस तरह बढ़ता जाता है, हर साल प्रतिशत का प्रतिशत मिलता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे हम ऐसे करते हैं, सीआई वाला के फॉर्मूला पर सॉल्व करते हैं। देखिए तो दोस्तों आपको बता दें हम कि आखिर हम इस तरह के क्वेश्चन को सीआई पर ही क्यों करते हैं, एसआई पर क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया था, यानी 100 लोग थे, ठीक है, अब इसमें से 10 का वृद्धि हो गया है, 10% 10% के प्रतिशत दर से वृद्धि हो रहा है, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। देखिए तो पहले वर्ष में मेरे पास कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 110% हो जाएगा, तो 10% इसका निकालेंगे पहले वर्ष में इतना हो जाएंगे, तो 10% निकालेंगे तो 100 से हमारा कट गया, ये हमारा 10 हो गया, यानी कि पहले हम शुरू में हमारे 100 लोग थे, अब पहले वर्ष में कितना बढ़ गए हैं, 10 लोग और बढ़ गए हैं, तो हमारे पास कुल कितने हो गए जाएंगे, तो 110 हो जाएंगे, तो अब जो हमारा ब्याज लगेगा 100 पर नहीं लगेगा, अब कितना पर लगेगा, 110 पर लगेगा, तो पहले 100 पर ब्याज लगता था, अब कितना पर लगेगा, 110 पर लगेगा, तो हमारा अधिक नहीं होगा, इसीलिए तब 100 देखे, यानी कि दोनों पर 100 पर भी लगेगा 10% पर भी 10 पे भी लगेगा, मान लीजिए 100 पर लग के 1 वर्ष का ब्याज लगेगा तो कितना आया था, 10 लग गया था, 10 हो गया था, अब 10% जो बढ़ गया इस पर भी अब ब्याज लगेगा, क्योंकि कितना लोग उसमें शामिल हो गए हैं पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में इनका भी जनसंख्या बढ़ेगा, तो इसमें भी हम 5% का वृद्धि 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 तो कितना, यानी कि 1, यानी कि 10 1 कितना बढ़ा दूसरे साल में, ये 10 तो 100 वाले में बढ़ गए, और जो 10 बढ़ा था हमारा पहले वाले में उससे कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी कि दूसरे वर्ष में कुल हमारे कितने बढ़े, 10 और 11 बढ़े हैं, और पहले में कितना बढ़े थे, 10 बढ़े थे। देखिए तो ये इस तरह का क्वेश्चन होता है कि बार बार ये प्रतिशत पर हमारा बढ़ता जाता है, बार बार जनसंख्या जो नया बनता है उस पर भी उतना परसेंट बढ़ता जाता है, तो इसलिए हम इसे सीआई पर निकालते हैं, एसआई पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि एसआई पर हर एक वर्ष समान समान होता है, 10 यहाँ पर मिलेगा तो दूसरे बार भी 10 वर्ष मिलेगा, तीसरे बार भी 10 वर्ष मिलेगा, चौथे वर्ष भी 10% मिलेगा, 10 10 मिलेगा, इसलिए हम इसे साधारण ब्याज पर नहीं करते हैं, कि जनसंख्या हमारा जो जनसंख्या बढ़ जाता है दूसरे वर्ष फिर उस जनसंख्या पर भी जनसंख्या बढ़ता है, जैसे 10% निकाले तो 1 बढ़ गया है, ठीक है, तब इसी तरह अब कितने 110 हो गए, तब कितना हो गएंगे, 10 से पहले हो गए तो पहले वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में कितना हो गए, 11 बढ़ गए, तो 110 और 11 कितना, तो 121 हो गए हैं दूसरे वर्ष में, ठीक है, ऐसे करेंगे, तो इसलिए हम सीआई पर इसे सॉल्व करते हैं, एसआई पर सॉल्व नहीं करते हैं। देखे थे 3 वर्ष का दिया है, तो इसी फॉर्मूला पर आप करते हैं, तो जहाँ टी का समय 2 दिए थे तो उस पर 3 देना होगा, तो
तो परंतु मैं फॉर्मूला से नहीं करूंगा, ट्रिक से करूंगा। देखिए तो हमारा ट्रिक कितना था, 5% दिया है, तो पहले हम लिख देंगे 5%। ठीक है, तो 5% कर दिए तो हमारा 20 25 100 हो गया, तो 1/20 हो गया। तो क्या करना था, इसे जोड़ देना था, इसको इससे जोड़ देना था, हमारा कितना हो गया 21। देखिए तो क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा 3 वर्ष बाद का दिया है, 3 वर्ष के अंत में, यानी कि 3 वर्ष के बाद पूछा है, और ये 3 वर्ष पहले का पूछेगा तो इसे हम 20 में से 1 को घटाएंगे, परंतु वैसे हमें नहीं दिया है, बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन को देख लेंगे, घटने वाले क्वेश्चन को भी। तो 21 हो गया, हमारा 20 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बढ़ गया, तो हमारा क्या मिश्रधन हो गया, बढ़ गया तो। ठीक है, और ये हमारा मूलधन हो गया, नीचे वाला मूलधन हमारा हो गया। तो चलिए अब इसे रखते हैं, तो मूलधन हमारे यहाँ ऐसे कर दिए और यहाँ मिश्रधन हो गया। तो कितने साल का दिया है, 3 साल का, तो 20 3 हाल लिखेंगे, 20 को 3 हाल लिखेंगे और 21 को 3 हाल लिखेंगे इधर। ठीक है, अब इसे गुना करते हैं, तो गुना कर देंगे तो 2 2 4 400 हो जाएगा। तो 400 और 400 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 2 8 100 और 1 0 यहाँ पर है तो 1 0 यहाँ पर लिख देंगे, इतना होगा। जब इसमें इसमें गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 441। और जब इतना में गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, करके देख लेते हैं एक बार इधर हम, तो इतना में जब गुना करेंगे तो 441 एक बार में लिख दिए, 441 दुना कितना हो जाएगा, 288। इसे जोड़ देते हैं तो 1 का 1 4 2 6 8 4 12 का 2 8 1 8 1 9 यानी कि 92 61 हो जाएगा। ठीक है, 92 61 हो जाएगा। तो इतना आप चाहे तो इसे एक बार घन, यदि आपको याद रहेगा तो आप एक बार इसे डायरेक्ट देख सकते हैं, 21 तक घन आपको याद रहेगा तो। ठीक है, तो इतना हो गया। अब पूछा है क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद जनसंख्या वृद्ध, अब पूछा है 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी जबकि उसकी शुरू की आबादी 8000 हो। तो शुरू की आबादी उसकी कितना है, 8000 है, 8000 है, तो ये हमारा मूलधन के बराबर है हमारा, यानी कि 8000 बराबर ये हमारा मूलधन हो गया। तो मूलधन कितना बराबर, 8000 बराबर 8000 है, यानी कि 8000 के बराबर 8000 है। तो एक बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें निकालना कितना है, 9261 का, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 ना हो गया, तो इसको 9261 में 1 से गुना करेंगे तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा, 9261 हो जाएगा, यही हमारा जनसंख्या हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। देखो उस वक्त किए थे ना, कितना कितना भाग, यानी कि 800 बराबर 800 मिल गया, तो उसमें कितना मिला था हमारा, उसमें हमारा मिला था 400 बराबर कितना मिला, 620 हो गया था, उसमें हम लिखे थे 400 बराबर 620 ऐसे लिखे थे, उसमें 420 बराबर 620, तो 1 बराबर 620/420 किए थे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ठीक उसी तरह इसको भी किए हैं, यहाँ पर 8000 मिल गया तो 8000 बराबर 8000, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 बराबर, तो 1 बराबर हमारा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 8000 ऊपर हो जाएगा 1 बराबर निकालेंगे और नीचे हमारा 8000 हो जाएगा, तो कुल सुलभ करेंगे तो हमारा 1 ही ना मिलेगा कटकर। ठीक है, तो इसलिए हम 1 से गुना इसमें करेंगे, जितना मिलेगा उतना से हम इसमें गुना करेंगे, 1 मिला तो 1 में इसमें गुना कर दिए। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 64000 है, प्रति वर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कुल कितनी हुई। देखिए कुल वृद्धि कितनी है ये बताना है, कितना बढ़ा है, पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है कि कुल कितने हो गए जबकि उसकी शुरू के बाद इतने, तो कुल कितने हैं पूछ रहा था पहले क्वेश्चन, ये कुल नहीं पूछा है, इसमें वृद्धि कुल कितनी, यानी कितना बढ़ा है पहले से, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो उसी तरह हम ट्रिक पर करेंगे, फॉर्मूला पर नहीं करेंगे, फॉर्मूला पर ही कर सकते हैं, तो ट्रिक पर हम करेंगे। तो 10% दिया है, 10% कर दिए तो 10% बटन हम 100 लिखेंगे, परसेंट दिया है तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको इसमें जोड़ देंगे ना कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 बटा में 10 कर देंगे तो हमारे ऊपर कितना कौन सा होगा, मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि बढ़ने वाला मिश्रधन हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा जो है ये मूलधन हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या वाला प्रश्न है परंतु उसी क्वेश्चन के अनुसार दिया है, सीआई के अनुसार, इसलिए मिश्रधन और मूलधन मान रहे हैं। ठीक है,
तो जो हमारा अभी का जो जनसंख्या दिया रहेगा उसे हम मूलधन मानते हैं, और जो हमारा बाद का जनसंख्या है उसे हम मिश्रधन मानते हैं। ठीक है, तो चलिए तीन वर्ष का दिया था इसे हम तीन बार लिख लेते हैं, ये हमारा मूलधन है, मूलधन को तीन बार यहाँ लिख लिए, मिश्रधन को यहाँ तीन बार लिख लिए, मिश्रधन को तीन बार लिख दिए, ग्यारह ग्यारह ग्यारह, तो इसको हम गुना करेंगे तो इसे हमारा मिलेगा 1000। इधर कितना मिलेगा 1331 मिलेगा। आप लोग वह घन याद कर लीजिएगा, कम से कम 20 तक आसान होगा बनाने में, तो इसका 11 का घन होगा हमारा 1331 होगा। तब देखते हैं, देखिए इसमें पूछा है वृद्धि कितना हुआ है, ये नहीं पूछा है कुल नहीं पूछा है, तो वृद्धि कितना हुआ है, तो ये हमारा मिश्रधन हो गया और मूलधन हो गया, यानी ये हमारा मूलधन इतना हो गया, मिश्रधन हो गया, यानी कि तीन वर्ष के बाद हमारा कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो कितना बढ़ा है इसके जानकारी के लिए हम इसे घटा देते हैं, यानी कि सीआई पूछ रहा है कि ब्याज कितना मिला है उसे तीन वर्ष में, तीन वर्ष में ब्याज कितना मिला ये पूछ रहा है, तो इसलिए हम इसे जितना कितना बढ़ा इसे इसमें से हम इसको घटा देते हैं, तो कितना मिलेगा हमारा 331 बढ़ा है, इतना हमारा वृद्धि हुई है। तब देखिये मूलधन हमारा कितना है, 1000 के बराबर हमारा कितना है 6400 है, तो मूलधन हमारा 1000 आया है और इसके कितने बराबर है 64000 के ये बराबर है, यानी मूलधन 64000 है ना, तो इसके अनुसार 1000 आया है मूलधन, मूलधन तब वास्तव में इतना है, तो इतना बराबर इतना कर देंगे, दोनों हमारा मूलधन है तो मूलधन मूलधन बराबर कर देंगे, तो हमारा एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 64000 बटा में 1000 एक बराबर हो जाएगा, तो हमें निकालना है कितना है 331 का निकालना है, तो 331 ले इसमें गुना कर देंगे 64000 बटा में 1000, तो 30 से 30 कट गया, तो हमारा कितना 31 में 64 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, गुना करने पर 4 का 4 हो जाएगा, ये हमारा जो है 4 का 4 हो जाएगा, ये 3 है, 3 × 12 = 2 हासिल है, 3 × 12 = 1 13, यानी 13 × 24 4 से गुना करने, फिर इसे 6 से गुना करते हैं, 6 का 6 6 × 3 = 18 हासिल है, 6 × 3 = 18 = 19 हो जाए, अब इसे जोड़ देते हैं, गुना हो गया हमारा 4 का 4 6 × 2 = 8 8 × 3 = 11 9 × 1 = 10 1 × 11 = 1 हासिल है, 1 का 1 = 2 देखिए, यानी कि हमारा 2 कितना आ गया 21184 जनसंख्या में वृद्धि हुई, हुआ हमारा आंसर, वृद्धि पूछा है कुल नहीं पूछा है, जब कुल पूछेगा तो इससे करेंगे, ठीक है, तो कुल नहीं पूछा है कितना वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे, ये हमारा इसमें से इसको घटा देंगे, मूलधन इतना हो गया, मूलधन हमारा इतना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है इतना 300 अधिक बढ़ रहा है, 331 बढ़ रहा है। देखिये तो इसको जब हम ऐसे लिए लाए हैं यहाँ से, तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर देते हैं, 30 से 30 यहाँ पर कट जाता है हमारा, और एक बराबर 64 एक ही बार यहाँ लिख देते 331 × 64 एक ही बार, परंतु आप लोगों को समझने के लिए इतना लॉन्ग बताए हम, ठीक है, इतना ही लिख देते यहाँ पर, यहीं पर हमारा आंसर आ जाता 21184। परंतु कॉन्सेप्ट से शुरू में समझना सबके लिए जरूरी है, तो इसलिए लॉन्ग से बताए हम, आप सिर्फ लॉन्ग सी है तो खुद अपना इतना टाइलेट होंगे शॉर्ट में करने लगेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, यहीं से एक ऐसे ऐसे काट कर जैसे आंसर दे दें कि इतना होगा, आप लोग खुद टाइलेंट हो जाएंगे जब पूरा सीख जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं और जनसंख्या संबंधी प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, यह है हमारा ट्रिक। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है, देखिए घटने वाला आ गया प्रश्न, पहले बताए थे, चलिए तो इसको देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ये पूछा है आपसे भाई, तो चलिए इसे देखते हैं, घटने वाला है तो घटने वाला को कैसे बनाएंगे, तो यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, जहां जोड़ रहे थे वहां घटा देंगे, तो चलिए आइए करके देखते हैं कैसे होगा। तो कर दिए उसी तरह 10%, तो 10% कर दिए तो 10% हमारा ऐसे कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/10 बचेगा, तब यहाँ क्या करना है,
जुड़ रहे थे, यहाँ तो हमारा घट रहा है, तो क्या करना है, घटाना है, तो 10 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा हमारा, 10 से रह जाएगा, घटा रहे हैं क्योंकि घट रहा है तो घटाएंगे, तो इतना ये वाला ऊपर कितना हो गया, मिश्रधन हो गया, क्योंकि घट कर मिश्रधन दिया है 200 से, नीचे वाला मूलधन हो रहा था, नीचे वाला फिर से मूलधन हो गया हमारा, ऊपर वाला बार बार मिश्रण हो रहा था, अभी भी मिश्रण होगा, घटेगा तो भी हमारा मिश्रण होगा, और नीचे वाला हमेशा हमारा मूलधन हो रहा था तो घटेगा तो भी हमारा नीचे वाला मूलधन होगा। तो चलिए अभी से आगे करते हैं, इसको भी दो बार लिखते हैं, इसको भी दो बार लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि दो वर्ष का दिया है तो दो बार लिखेंगे, तीन वर्ष दिया रहेगा तीन बार लिखेंगे, चार वर्ष दिया रहेगा चार बार लिखेंगे, परंतु हमारा दो वर्ष का, ये हमारा दो वर्ष का दिया तो दो वर्ष के अनुसार लिख देंगे। चलिए तो इसको गुना करते हैं, हमारा कितना है, ये हमारा 10-16 मूलधन हो जाएगा, और ये हमारा मिश्रधन हो गया। तो आप बोलेंगे कि उस वक्त आप मूलधन इधर लिख रहे थे, इस वक्त आपने मूलधन इधर लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं मेरे दोस्त, इसको इधर लिखे या चाहे इसको इधर लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर तो हमारा वही आएगा। देखे तो इसको करें तो 9-9 81 हो गया, 10-10 में 100 हो गया, ठीक है। तो मूलधन देखेंगे कितना गुना है, तो मूलधन फिलहाल का है, मूलधन एक वर्तमान जनसंख्या है मूलधन, तो 100 बराबर कितना दिया है, 4000 दिया है क्वेश्चन में, 4000 कर दिए, तो एक बराबर होना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 81 बराबर होना कितना हो जाएगा, तो 81 में 40 से गुना कर देंगे, जब 1 बराबर 40 हुआ तो 81 बराबर कितना होगा ये जानना है, तो 40 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारा 81 बराबर हो जाएगा, तो एक इसको करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, आई 0 है तो 0 बैठा देंगे एक बार में, तो इतना हमारा हो गया। अब जनसंख्या 3240 देखिए तो दिया है क्वेश्चन आंसर में आपका, बिल्कुल दिया है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब दो तरह के क्वेश्चन को, अब देखिए जब यदि क्वेश्चन हमारा 2 वर्ष का केवल देता है वो सीआई का क्वेश्चन हो या जनसंख्या का क्वेश्चन हो या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो या हमारा जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हो, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो देखिए उस देखिए 2 वर्ष के लिए एक मेथड ट्रिक देता हूँ आप लोगों के लिए। ये ट्रिक हमारा है क्या, 2R + R² / 100, ये क्या हमारा, ऐसे करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, नया आर मिलेगा हमारा, उससे हम निकाल देंगे नया आर मिलेगा हमारा। तो देखिए 2R + R² / 100, तो देखिए जब वृद्धि रहेगा यानी घटेगा नहीं, जब वृद्धि रहेगा तो हम यहाँ प्लस का यूज करेंगे, ठीक है, और जब घटेगा तो भी हम प्लस का यूज करेंगे, यानी यहाँ पर हमेशा प्लस का यूज होगा, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। देखिए तो घटेगा तो हमारा तो परसेंट के हिसाब से ना घटेगा, 10% के हिसाब से घटेगा, 10% दर से घट रहा है, 10% के दर से बढ़ रहा है, यानी परसेंट के हिसाब से घटेगा या बढ़ेगा, यदि हमारा परसेंट घटने वाला रहेगा तो इसमें हम माइनस का यूज करेंगे, ठीक है, आर में केवल माइनस का यूज करेंगे, क्योंकि प्रतिशत ना बढ़ रहा है घट रहा है, तो प्रतिशत घट रहा है तो सिर्फ इसमें नहीं करेंगे, इसमें हम नहीं करेंगे, सिर्फ आर वाले में करेंगे कि आर हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, तो जब घटेगा तो इसमें माइनस का यूज करेंगे और जब बढ़ेगा तो हम इसमें प्लस का यूज करेंगे, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, बढ़ेगा तो प्लस का घटेगा तो माइनस का यूज करेंगे। और देखिये ये जो हमारा ट्रिक है केवल 2 वर्ष के लिए प्रश्न पर लागू होगा, केवल 2 वर्ष के लिए प्रश्न पर लागू होगा, ठीक है, केवल 2 वर्ष पर लागू होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा सीआई का क्वेश्चन या जनसंख्या का क्वेश्चन हो तो उसमें, या किसी मशीन का अवमूल्य का क्वेश्चन हो या वृद्धि का क्वेश्चन हो किसी मशीन का, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे, जब 2 वर्ष का दिया रहेगा तब, 3 वर्ष का दिया रहेगा तो नहीं करेंगे, 4 वर्ष का दिया रहेगा तो नहीं करेंगे, सिर्फ 2 वर्ष का रहेगा तब इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया है घट रहा है और हमारा 2 वर्ष का दिया है, तो हम कर देते हैं कि नया आर हमारा क्या मिलता है, तो नया आर क्या मिलेगा हमारा, घट रहा है तो हम माइनस का यूज करेंगे, 2R का मान कितना दिया है, 10 दिया है, 10 लिख दिए,
प्लस देखिए अब माइनस आप 10 के साथ लिखे या 2 के साथ लिखे, गुना करेंगे तो हमारा माइनस ही ना होगा, इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं प्लस का चिन्ह है, प्लस का कर दिए, तो इसमें भी हम माइनस का यूज करेंगे, तो माइनस 10 लिख दिया, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए, बाटा में 100 कर दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो इसको आगे करते हैं, तो 20 दहा में 10 दुना 20 माइनस 20 यहाँ मिला, प्लस का चिन्ह है प्लस कर दी। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब माइनस रहेगा तो माइनस को हम दो बार गुना करेंगे, माइनस 10 गुने 10 तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 100 बट्टा में 100 हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा कट जाएगा, 100 100 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि माइनस 20 प्लस 1 हमारा ये इधर बचेगा। देखिए इसका मतलब क्या है कि दो बार इसे गुना करना है, होता है ना, इसका मतलब है कि दो बार गुना करता है, तो दो बार गुना करेंगे इसको हम ऐसे 10 माइनस 10 में गुना करेंगे, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, 10 दहा में 100 हो गया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम करेंगे इसको प्लस, ठीक है, माइनस है परंतु यहाँ पर प्लस हो गया, क्योंकि चेंज करेंगे इसको तो दो बार हमारा माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा, नहीं तो आपसे गलत हो सकेगा, माइनस का माइनस रख देंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना मिलेगा, 19 मिलेगा, माइनस 19, ठीक है, माइनस 19 परसेंट क्या नया परसेंट हमारा मिला, नया परसेंट माइनस 19 मिला, यानी 19 परसेंट माइनस हो रहा है, यानी घट के हमारा इतना बचेंगे परसेंट, इतना परसेंट लोग बचेंगे घट कर, तो हम निकाल लेते हैं कितना बच जाता है, शेष कितने रह जाते हैं, माइनस वाले को 100 पर परसेंट होता है, इसे हम 19 को घटा देंगे क्योंकि माइनस में दिया है, तो देख लेते हैं कितना बचा है, माइनस कर देते हैं तो शेष हमारे कितने बच जाते हैं, हमारा आर वन हो जाएगा, 10 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, हमारा कितना बचा गया 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 81% हमारे पास शेष लोग बचे हैं, 19% तो कम ही हो गया है, जो इतने 10% घट रहा था तो माइनस 19% का कमी हो गया है, तो माइनस 19% का कमी हो गया है, तब हमारे पास कितने बचे हैं, 81% बचे हैं, 100 में से 19 को घटा देंगे तब हमारे पास शेष कितने बचे हैं, 81% हो जाएंगे दो वर्ष के बाद, ठीक है, तो 81% वाला निकाल देंगे हम, 4000 का 81% हमारे 20 से 20 कट जाएगा, तब कितना हो जाएगा हमारा 20 से 81% करेंगे तो 20 से 20 कट गया, तो 81 × 40 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 का 0 लिख देंगे, 4 × 4 हो जाएगा, 8 × 2 = 32, देखिए तो 32 × 40 हमारा आंसर आ गया। तब भाई ये ट्रिक से सॉल्व करेंगे, आसान होगा ट्रिक से सॉल्व करने में, ठीक है, ऐसे तो मैंने 2 ट्रिक दे दिया है इसका, तो वो जो पहला ट्रिक दिया था ऐसे कर अभी जो मैंने जो अभी हम बनाए हैं उसके लिए जो ट्रिक दिए थे, यानी कैसे करके बताए थे जो अभी, तो हमारा दूसरा ट्रिक हो गया था, ये पहला ट्रिक हो गया, तो ये हमारा दूसरा ट्रिक हो गया, और एक हमारा था फार्मूला वाला था, तो फार्मूला वाला में देखिए, तो फार्मूला आपको बताते हैं कि जब माइनस दिया रहेगा तो क्या करना है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सी आई वाला हमारा अमाउंट होता है 1 + R/100 होता है, 1 + R/100 × T होता है, नहीं तो इसमें हम कितने वर्ष का निकाल सकते, जरूरी नहीं कि 2 ही वर्ष का निकाल सकते हैं, इसमें हम कितना ही वर्ष का निकाल, टी बराबर जितना दिया रहे, 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, कोई भी दिया रहे तो इसे हम निकाल सकेंगे, परंतु इस ट्रिक पर हम केवल 2 वर्ष के लिए निकाल सकते हैं, 3 वर्ष का नहीं निकाल सकते, ना ही 4 वर्ष का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, जब माइनस जब प्लस कहेगा तो इसमें हम प्लस का यूज करेंगे, जब माइनस कहेगा घटेगा तो माइनस का यूज करेंगे, ठीक है, तो घट रहा है तो इसमें माइनस का यूज करकर, अगर आप फॉर्मूला पर बनाएंगे तो ऐसे बनाइएगा माइनस रखकर और टी बराबर 2 रखेंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक, मैंने इसका 2 ट्रिक दिया है, एक तो फॉर्मूला है ही आपका, इसका मैंने 2 ट्रिक दिया आपको आसानी से सॉल्व करने के लिए, जैसे आपकी मर्जी वैसा यूज कीजिएगा। तो देखिए एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम हो जाता है यदि मशीनरी 62,500 रुपये में खरीदी गई है तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा। देखिए ये हमारा आ गया मशीन वाला प्रश्न, मशीन से संबंधित क्वेश्चन।
देखिए तो उसी मशीन संबंध या जनसंख्या संबंध, तो यह हमारा सी आई का क्वेश्चन तीनों एक्स कॉन्सेप्ट से बनेगा, जो मैंने आपको दो ट्रिक दे दिया है, दो वर्ष के लिए एक ट्रिक दिया है और एक ट्रिक दिया है उसे कितना ही वर्ष का निकाल सकते हैं, और एक तो आपको फॉर्मूला हो गया। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें 20% कम हो रहा है, कम हो रहा है ना 20%, तो हम इसे कर दे रहे हैं 20% कम, तो 20/100 कर देंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक होगा तो हमारा कम हो रहा है, तो इसको इसमें से घटा देंगे, जब कम होगा तो 4/5 कर दिए, 5 में से गया 4, तो ये हमारा हो गया मिश्र धन, ये हमारा हो गया मूल धन, कम हो जाता है स्टेशनरी 662 रुपये में खरीदे, इसे हम लिख देते उसी तरह कितना 3 बार दिया था, 3 बार इसे लिख देते हैं, ये हमारा हो गया मूल धन, ये हो गया मिश्र धन। तो देखिए मूलधन इधर लिख दिया, मिश्रधन इधर लिख दिया, तो गलत ना हो गया, मूलधन तो हम पहले वाले क्वेश्चन में इस तरफ लिखे थे, मिश्रधन इस तरफ, तो गलत नहीं हमारा हो गया जी। तो चलिए गलती बनाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, तो गलती हम बनाएंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो मूलधन कितना आ गया, कितना, तो इस मूलधन 5 हो गया, तो 3 बार दिया है तो 3 बार लिख लेते हैं जल्दी से, 4 दिया है तो 4 जल्द से लिख देते हैं, तो 5 का हमारा घन हो जाएगा 125, 4 का हमारा घन हो जाएगा 64, तब दिया है इसमें, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा, तो वर्तमान का मूल हमारा 64 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कम होता है यानी कि कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो ये हमारा मिश्र धन हुआ, कम हो रहा है तो वर्तमान का मूल हमारा कितना, ये हुआ वर्तमान वाला मूलधन, अभी फिलहाल में हमारा ये होने के वर्तमान वाला ये हो गया, और कम हो रहा है तो बाद में ना पूछेगा 2 वर्ष के, या जितना वर्ष दिया रहेगा 3 वर्ष के बाद में ना पूछेगा, यानी कि 125 बराबर दिया है कितना, 125 बराबर 62,500 दिया है, 125 बराबर, तो हमारा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 से 25 इसको करेंगे 25 ले, तो 25 × 25 = 625, 2 गो 0 है, 2 गो 0 डाल दिए, अब इसको करेंगे तो 5 × 5 = 25 यानी कि 1 बराबर हमारा कितना मिला 500, तो 64 बराबर कितना हो जाएगा, तो 64 में 500 से गुना कर देंगे, 1 बराबर जब 500 होगा तो 64 यहाँ पर था, तो 64 में 500 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 00 कर 00 लिख देंगे, 4 × 5 = 20 का 0 हासिल, 2 6 × 5 = 30 और 2 = 32, यानी कि इतना हमारा हो जाएगा आंसर 32,000। ठीक है, उसका मूल अंतर घटने के बाद अब इतना हो जाए, और तो उसका गाड़ी तो पुरान हो गया है तो कम नहीं दाम उसको मिलेगा, उतना चला लिया है तो इतना उसका दाम हो गया घटकर। ठीक है, तो अब देखिए एक बात बोले थे क्या, इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर आ गया, पहले वाले में ऐसे लिखे थे मिश्रधन मूलधन यहाँ पर लिखे थे और यहाँ पर मिश्रधन लिखे थे तो भी हमारा वहाँ आंसर आ गया, था ऐसा नहीं आना चाहिए था ना। तो देखिए दोस्त ऐसा नहीं होता है, आप इसको इधर लिखें या इधर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपको समझना है कि हमारा मिश्रधन कौन है, मूलधन कौन है, यानी वर्तमान वाला हमारा कौन है और बाद वाला कौन होगा। तो जब इधर मूलधन इसको लिखते तो वर्तमान वाला हमारा इधर का होता और ये हमारा मिश्रधन होता बाद वाला होता 2 वर्ष या 3 वर्ष, तो इसलिए आपको सिर्फ ध्यान करना है कि हमारा बाद वाला कौन है और वर्तमान वाला कौन है। एक राज्य की लोक संख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि 1998 में लोक संख्या 18 लाख थी तो 2000 में लोक संख्या कितनी थी। तो देखिए इसमें हमारा डेट खुलकर नहीं दिया है, यानी कि तारीख दे दिया है, वर्ष दे दिया है, यानी कि कितना वर्ष में पूछ रहा है ये हमें खोलकर नहीं दिया है, ये हमें निकालना पड़ेगा कि 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है, ये हमें निकालना होगा, यानी कि इसमें हमें वो नहीं दिया है। तो ठीक है, तो देखिए 1998 और इसमें 2000 है, तो हमारा जहाँ 2 वर्ष का पूछा है क्योंकि 1998 और 2000 में पूछ ही रहते हैं, 2 वर्ष का पूछ रहा है हमारा, निकालते हैं 2 वर्ष का ट्रिक वाला नियम से, जो ट्रिक दिए हैं नया वाला। देखिए 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष वाला सूत्र क्या है नया, आर हमारा कैसे मिलेगा, 2 वर्ष वाला सूत्र रखेंगे, 2R सूत्र ट्रिक हमारा है ना, 2R प्लस
आर स्क्वायर बटा में 100। यदि आर का मान माइनस प्लस माइनस रहेगा तो माइनस यूज करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस यूज करेंगे, ठीक है। ये कॉल दो वर्ष के लिए लागू करेंगे ये ट्रिक, तो हमारा नया आर वन आर मिलेगा। तो नया आर बराबर 2, आर का मान कितना दिया है 10%, प्लस कर दिए, प्लस हमारा हमेशा रहेगा, तो प्लस कर दिए यहाँ पर हमेशा रहेगा, प्लस कर दिए। अब क्या 10 को स्क्वायर करना है, तो 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, बाटा में 100 करेंगे तो 100 से हमारा कट जाएगा, तो कुल 10 × 20 और यहाँ पर 21 हो जाएगा, यानी कि नया हमारा हमारा 21 हो गया, नया आर मिल गया। तब बोलेंगे यहाँ पर 21 कैसे, 10 × 20 नहीं हुआ, 100 तो कट ही गया, 21 कहाँ से आ गया, 100 कट गया तो हमें कुछ बचा, दुविधा में 20 न होगा तो 21 लिख दिए। देखिए दोस्त, यही छोटे छोटे बात से आप लोग गलत कर देते हैं। जब ये 100 से 100 काटे तो एक मरत में नहीं कटा हमारा, एक मरत में कटा कि नहीं कटा, तो इसलिए 10 × 20 एक 21 करेंगे। तो ये छोटे छोटे बात से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए आप छोटे छोटे बात को ध्यान में रखें और क्वेश्चन को रिवाइज करें, ताकि आप छोटे छोटे बात को सीख जाएं, आपसे कभी गलत ना हो, ठीक है। नहीं तो एक छोटे बात की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चलिए, आर नया आर वन मिल गया हमारा 21%, यानी कि 21% हमारा के दो वर्ष के बाद कितना बढ़ रहा है, यानी कि 21% की वृद्धि हो जाएगा। तो 21% का निकालते हैं वृद्धि, तो 2000 में लोक संख्या कितनी थी, निकालते हैं 21%, ये हमारा दो वर्ष बढ़कर निकल गया नया, अब उसको 10% को भूल जाना है, अभी नहीं कि 10% वाला, 10% वाला हमारा कहाँ गया, तो 10% से निकल करना है ये हमारा नया आंसर भाई। तो इसलिए हम करेंगे अब 10 को भूल जाएंगे और 21% पहल करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन में कितना दिया था, 18 लाख दिया था, तो 18 लाख लिख दिए, नया आर हमारा मिला। तो हम 100 + 121 कर देंगे कि 100 पर हमारा कुल परसेंट होता है, 21% वृद्धि हो गया, तो 121 नहीं हो जाएगा, 121% हो जाएगा, तो 121% कर देते हैं। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 121 में इतना से गुना कर देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में कर देंगे, जैसे आएगा वैसे कर देंगे। देखिए तो 21 बढ़ा है तो इसमें जोड़ देंगे ना, बढ़ रहा है 21, तो ऐसे ही करके ला देंगे आंसर ना, हो जाएगा ना, बोलिए आप लोग। तो देखिए ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 21% बढ़ रहा है तो 100% है तो 21 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा तो 10% था इसमें, देखिए पहले हमारा 10% था तो हमारा बढ़िए के ना रहा है, तब क्या बढ़ाने की जरूरत है, 10% था पहले हमारा, तो 10% बढ़ा कर निकाले हैं तो 21% आ गया है, 10% की वृद्धि हो रहा था तो दो वर्ष को मिला कर हमारा 21% आ गया है, तब क्या बढ़ाना है, ये 10 से 21 बढ़िए का नया है तो इसमें क्यों जोड़कर 100 या 121 कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे आपका नहीं होगा, क्योंकि दो बार बढ़ाएंगे, बढ़ाइएगा आप दो बार नहीं ना बढ़ाइएगा, दो बार तो नहीं बढ़ाइएगा एक, इसलिए हम एक बार बढ़ाएंगे, वैसे 100 में 121 जोड़कर नहीं निकालेंगे, ऐसा स्टूडेंट कर देते हैं, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया था कि आप लोग भी कर देंगे ऐसे, तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये कहाँ तो हमारा बढ़ा कर ला दिए हैं, ये हमारा बढ़ कर दिया 21%, तब हम निकालते हैं 18 लाख का 21% कितना होगा, तो 18 लाख का 21% निकालते हैं, बढ़ कर दे दिया, बढ़ा कर दे दिया ये हमारा, इसमें बढ़ाना नहीं है, तो कर दिए तो कितना हो गया 100, तो 18 लाख हमारा है, तो लाखे में क्वेश्चन आंसर दिया है हमारा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि लाखों में, क्वेश्चन में लिखा है लाखों में, तो इसलिए हमें लाखों में निकालना है, ये न कि इसे लाख दिया था 0 लिख देंगे, उसे काट कूट कर देंगे।